हैं। पटना में कल देर रात जनता दल यू के युवा नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सौरभ कुमार एक समारोह से लौट रहे थे और इसी दौरान अपराधियों ने उन पर फायरिंग की। हमले में सौरभ कुमार के एक साथी को भी गोली लगी है, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने यहाँ पर जमकर हंगामा किया और कुछ देर के लिए सड़क भी यहाँ पर जाम कर दी। मनीष कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, बताइए इस घटना के बारे में और जो हमलावर थे उनके बारे में क्या पता चल पाया अभी तक? काबिल, ये घटना जो है ये राजधानी पटना के पुनपुन थाना के बढ़िया कॉल गांव का है, जहां की ये सौरभ कुमार रहने वाले थे। सौरभ कुमार जनता दल यूनाइटेड के नेता के अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम किया करते थे और कहा जा रहा है कि कल रात में जब ये घटना को अंजाम दिया, क्योंकि उनके साथ उनके एक साथी भी थे और ये एक शादी से लौट रहे थे, तब गांव के बाहर बाइक पर आए चार अपराधियों ने इनके ऊपर गोलियां चलाई। पहले तो ये दोनों घायल हुए और जब इन्हें पटना के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया तो वहां पर सौरभ कुमार को मृत डिक्लेयर किया गया, क्योंकि वो उनकी स्थिति जो है उनके शरीर के अंदर काफी सारी गोलियां लगी हुई थी। हालांकि इस मामले की अभी फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों पर उनका शक है और ये मामला जो है वो प्रॉपर्टी के डीलिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है, इसमें कोई राजनीतिक एंगल की संभावना से उन्होंने इनकार किया है। काबिज जी, बहुत शुक्रिया मनीष आपका सब जानकारी के लिए। तो प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा हुआ मामला यहाँ पर यह हो सकता है, लेकिन अब पुलिस मामले की तफ्तीश जो है वो कर रही है। एक समारोह से ये लौट रहे थे सौरभ कुमार, जिस वक्त इन पर जो है हमलावरों ने गोली जो है वो चलाई, इसमें इनकी मौत हो गई। इस पर पुलिस का क्या कहना है वो भी आप देखिए। बढ़िया कोल में अजीत कुमार के भाई का रिसेप्शन का फंक्शन था, इसमें सौरभ कुमार अपने साथी के साथ आए हुए थे। तो वहाँ पर उनको लौटने के दौरान करीब 12:15 बजे मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों द्वारा गोली मार दिया गया और उनको लोग अस्पताल ले गए। उनके साथ एक मुनमुन कुमार भी घायल थे, लेकिन सौरभ कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा छानबीन किया जा रहा है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।